और हम ये मिर्च तोड़ कर डाल देंगे, और दो तेज पत्ते, और थोड़ी सी इसमें हम गोभी भी डालेंगे, गोभी डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ प्याज, प्याज हम मीडियम साइज़ की कर सकते हैं कटी हुई, ज़्यादा ना बड़ी ना छोटी, और इसमें हम अब डालेंगे अदरक लहसुन और मिर्च, मिर्च आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें हम थोड़ी सी मटर और डाल देंगे, और थोड़ी सी टमाटर, और अब ये पालक और थोड़ी सी मेथी और डालेंगे हम। इन सबको हम मिक्स करके इसमें थोड़ा सा और नमक और डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी और जीरा और इसका ये नमक, और ये कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी खिचड़ी का कलर अच्छा आए। तो अब इसको हम ये चावलों में डाल देंगे हमारा जब बन जाता है तो। अब इसमें थोड़ा सा हम घी और डालेंगे, तो हमारी खिचड़ी तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खिचड़ी, और डाइजेशन के लिए खिचड़ी तो बहुत ही अच्छी होती है। तो हमने जो आलू उबाले थे उन्हें हमने मैश कर लिया है, और इसमें थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया, और इसके लिए हम तड़का तैयार कर रहे हैं आलू में डालने के लिए। और अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा, तेल गर्म हो जाए तभी हमको डालना है, और ये थोड़ी सी कटी हुई मिर्च इसमें आलू में डाल देंगे हम। आलू को भी ये पूरा भूत लेंगे इन्हें। तो हमारी थाली तैयार है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, हमारी डाइजेशन के लिए खिचड़ी बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आप इसे पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, तो आज की हमारी रेसिपी ख़त्म होती है यहीं। थैंक्स फॉर